दोस्तों, राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर पूरे देश में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या राशन कार्ड ई केवाईसी सभी को कराना जरूरी है, या ई केवाईसी क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है, और जो बाहर रहकर काम कर रहे हैं वो लोग अपना ई केवाईसी कराने के लिए क्या घर जाना पड़ेगा या वहीं से उनका ई केवाईसी हो जाएगा। सारा समस्या का समाधान इस वीडियो में है। मात्र 2 मिनट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और एक लाइक अभी से कर दीजिए, और सरकारी लाभ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राशन कार्ड ई केवाईसी सभी लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राशन कार्ड ई केवाईसी कराने का, कि सन 2011 से जब गणना हुआ था तभी से राशन कार्ड स्टार्ट हुआ था, अब से लेकर 12 साल 15 सालों में कभी तक ई केवाईसी नहीं हुआ, जिसकी मदद से 10-12 साल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और आज भी उनका नाम राशन कार्ड पर है और वो राशन का लाभ उठा रहे हैं। इस कंडीशंस में बहुत सारे लड़कियों का शादी हो गया, जिस कंडीशंस में शादी के बाद भी वो लड़कियां अपने परिवार में जाती है और वहाँ पे लाभ नहीं ले पाती हैं। इस कंडीशंस में सरकार ने यह नियम लागू किया कि सभी लोगों का ई केवाईसी होगा, जिसकी मदद से यदि जो लोग मृतक हो गए हैं, राशन उठा रहे हैं, उनका राशन कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा, और जिन भी बच्चियों का शादी हो चुका है, अपने ससुराल गई है, वहाँ पर राशन उनको नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी यहाँ से डिलीट होकर वहाँ पर मिलना लगेगा। ये बहुत तेज़ी से चल रहा है प्रक्रिया, और इसमें टाइम भी दिया गया है 2 से 3 महीने का, ताकि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग अपने ग्राम पंचायत में आकर ई केवाईसी करें। लेकिन यदि जो लोग पूरे परिवार के साथ बाहर में रह रहे हैं वो लोग वहीं से ई केवाईसी करा सकते हैं, क्योंकि जहां से रह रहे हैं वन नेशन वन कार्ड के मुताबिक वहीं से कोटेदार से वो राशन उठा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप पूरा परिवार का राशन लगाकर, जो लेते हैं फिंगर लगाकर, वहीं से केवाईसी करा लेंगे। केवाईसी करने का 2 नियम है, एक सीएससी सेंटर के माध्यम से यानी जनसेवा केंद्र के माध्यम से, दूसरा आप अपने कोटेदार से करा सकते हैं। कोटेदार से कराना बहुत आसान है, इसमें आपको नज़दीकी कोटेदार के पास जाना होगा और वहाँ से ई केवाईसी होगा, यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों का एक बार फिंगर लगेगा और एक बार केवाईसी होगा। जिसमें से कुछ लोग बाहर रह रहे हैं तो वो 2 महीने 1 महीने के बाद जब घर आएंगे तो यहाँ से फिंगर लगाकर केवाईसी कर देंगे। केवाईसी यदि नहीं करते हैं तो उनको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, ये फुल गारंटी है, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सम्मान निधि में जो लोग छूट गए थे, केवाईसी नहीं कराए थे, उनको भी इसका लाभ नहीं मिला था। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग फर्जी यानी राशन ले रहे हैं, जिसकी मदद से सरकार को दिक्कत हो रही है। इस कंडीशन में केवाईसी से जो लोग उपलब्ध हैं उन्हीं लोगों को राशन मिल पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।